हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चौधरी व्लॉग्स। तो यार आज मेरा यूनिवर्सिटी का लास्ट डे है और मैं अपनी प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। और मेरी जो डिजर्टेशन थी वो मैंने सबमिट करवा दी थी तकरीबन 3 से 4 दिन पहले, और आज है उसकी ना जो मेरे फाइंडिंग्स वगैरह थी, रिजल्ट्स वगैरह किए थे, आज उसकी मैंने प्रेजेंटेशन सबमिट करवानी है। तो आज प्रेजेंटेशन है तो भाई को गुड लक करें। और इस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ और मेरे यहाँ से यूनिवर्सिटी की जो ड्राइव है वो तकरीबन है 15 मिनट्स की ड्राइव है मेरे यहाँ घर से। तो लेट्स गो। यार यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ ना, वो यूनिवर्सिटी से तकरीबन 2-3 मिनट की वॉक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पीछे मिल जाती है फ्री पार्किंग। और जौन सा है ना, क्या कहते हैं उसको, यूनिवर्सिटी की जो पार्किंग है वो काफ़ी जो है ना कॉस्टली है, तो यहाँ पे फ्री पार्किंग का मज़ा लेते हैं। और मतलब कि जगह मिल भी जाती है, सेफ भी है और फ्री भी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, तो 2-3 मिनट की वॉक है, तो वहाँ यूनिवर्सिटी जा के मिलते हैं। तो यार यूनि में आ गया हूँ। ये जो मैं मेरी बैक साइड पे बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, ये हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ सल्फर की सबसे जो ओल्ड ब्लॉक है ना वो है। ये 1860 समथिंग में बना था, तो काफ़ी जो उनसे है ना ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग है। अगर आप इसको देखें, बड़ी खूबसूरत और प्यारी, जिसमें वो लगता था ना प्रॉपर जो इंग्लिश यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो प्रॉपर वैसी यूनिवर्सिटी है। तो आज यार यूनिवर्सिटी में मेरा लास्ट डे है, जैसे मैंने आपको बताया था, और तकरीबन मेरी हर चीज़ यहाँ यूनिवर्सिटी में कम्प्लीट हो चुकी है। आज लास्ट इस प्रेजेंटेशन का है, तो प्रेजेंटेशन के बाद फिर कली बली यूनिवर्सिटी हो जानी है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक दफ़ा लास्ट दफ़ा आना है ग्रेजुएशन सेरेमनी पे। तो बड़ा यार एक अच्छा ओवरऑल यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, ज़बरदस्त माहौल और स्टडीज़ का बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। अभी आपको यूनिवर्सिटीज के शॉर्ट्स वगैरह मैं इसके बाद डालता हूँ और फिर बताता हूँ आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी मेरी प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो चुकी है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मैंने शाम को जॉब पे भी जाना है। तो मैंने कहा क्विकली जो है ना निकलते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी से और आपसे गपशप भी करते हैं, ताकि जो है ना मैं घर भी पहुँच जाऊँ और अपनी जॉब के लिए भी मैं रेडी हो सकूँ। तो यार अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो यार वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया। मतलब कि आपके पास टोटल 15 मिनट्स होते हैं, 10 मिनट्स जो उनसे होते हैं ना वो फर्स्ट होते हैं आपकी, जिसमें आपने अपनी जो स्लाइड्स हैं वो रिप्रेजेंट करनी होती है। जो लास्ट 5 मिनट्स होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, ठीक है। तो जो सुपरवाइजर होते हैं वो एक तो वो होता है जो आपका सुपरवाइजर, जिसने आपको सुपरवाइज़ किया होता है ओवरऑल योर मतलब के जो डिसिजन है, जो प्रोजेक्ट है। और नंबर 2 जो आपका सुपरवाइज़र होता है वो होता है सेम यूनिवर्सिटी से लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट से। और जो 3rd आपका जो हो सकता है ना सुपरवाइज़र, वो होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने जो फाइंडिंग की है ये कैसे आई हैं, क्यों आई हैं, इसे बेटर कैसे कर सकते थे, और इस तरह के भी मतलब कि क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन भी बहुत अच्छा गया। तो एक का तो मुझे अच्छे से जवाब जौन सा ना आंसर आता था, जो सेकंड था वो थोड़ा थ्योरेटिकल बेस था, थ्योरी पे था, वो ऐसा जौन सा ना एग्जिस्ट तो नहीं करता था, लेकिन उसको जस्ट आपने अपने आइडियाज दे रहे थे। तो मेरे जितना नॉलेज मैंने गेन किया उस हवाले से मैंने ना उनको बताया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया। तो अगर आपको यार मैं अपनी ओवरऑल यूनिवर्सिटी लाइफ की बात करूँ, तो यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। मेरी यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ सल्फर, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी थी, और मतलब के फ़ीस वगैरह में भी इतने उन्होंने मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया। और जो अगर मतलब कि अगर मैं बात करूं कि जो स्टडी का जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, सब स्टूडेंट्स फ्रेंडली थे। तो हमें जो टीचर्स की बात करूँ, तो टीचर्स बहुत अच्छे मिले, ओवरऑल सारे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही नाइस टीचर्स मिले। तो मतलब कि अगर मैं बात करूँ ना कि अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है, तो यार वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैंने इतनी ज़्यादा इसमें जो है ना अपनी स्किल्स ली,
तो एक तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो स्किल होती है ना, वो होती है कम्युनिकेशन स्किल, जिससे आप किसी से बात कर सकते हैं, अपनी बात को किसी को बता सकते हैं और उसकी बात को समझ सकते हैं। एक कम्युनिकेशन स्किल होती है लैंग्वेज को हटा के, ठीक है। तो ये स्किल बहुत ज़रूरी थी। और उसके अलावा जब आप एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं तो डिफरेंट तरह के कल्चर से के आए हुए लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, वो आपके मतलब के आप उनके साथ उठना बैठना बन जाता है। तो यार मेरा वो आपका जो कल्चर जो होता है, ठीक है, उससे बहुत आपको सीखने को मिलता है। और मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था इस हवाले से भी, वो भी बहुत अच्छा रहा। तो ओवरऑल एमएससी में भी मतलब कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा जो मुझे आने वाली जो मेरे जो फ्यूचर है उसमें मुझे बहुत हेल्प आउट करने वाला है। तो मेरे अभी फ्यूचर के आगे क्या प्लान है, मैंने जॉब अप्लाई करनी है या अभी PSW लेके अपनी कोई एक्सपीरियंस करना है, कुछ भी करना है, तो मैं आपको आपकी जो जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, मैं उसमें आपसे ज़रूर बात करूँगा। तो बस ये था थोड़ा सा मतलब कि मेरा छोटा सा व्लॉग जो मेरा लास्ट डे है यूनिवर्सिटी का। और जो मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी है वो मेरा ख्याल है आफ्टर 2 मंथ्स होगी, तो उसका भी व्लॉग ज़रूर आएगा। तो यार देखते रहें, कोई आपके कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कोई समझ नहीं आ रही हो बात, तो कमेंट्स में पूछ लें, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।